हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज ज्योग्राफी का 10वां दिन और इसमें हम लोग देखने वाले हैं 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको सीटेट एंड केंद्रीय विद्यालय पीआरटी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए 2020 के लिए है। और दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपको बताना है भारत का, निम्नलिखित में से, है ना, हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अरावली जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, है ना। अरावली क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए, अरावली के बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि जो अरावली है ये कहाँ है। ये आपको राजस्थान में है ना, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है। और अरावली के सब जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। ये भी आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी पूछ लिया जाता है, तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो याद रखिएगा। चलिए देखिए, इसका ऑप्शन है हिमालय। हिमालय के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताए थे, है ना। विंध्य के बारे में थोड़ा सा जान लें, जो विंध्य है ये आपको पड़ेगा एमपी में, है ना। ये एमपी में भी है, यूपी में भी इसका फैलाव है, गुजरात में भी इसका थोड़ा बहुत फैलाव है, बिहार तक इसका माना जाता है, मतलब इसका फैलाव है, ठीक है। और विंध्य पर्वत की सबसे ऊँची चोटी जो है, ये क्वेश्चन आता है, तो उसका नाम है अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक को भी आप याद रखें, है ना। अमरकंटक की ऊंचाई जो है 1048 मीटर है ना, 1048 मीटर अमरकंटक की ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। डी जो ऑप्शन आपको दिया गया है, सतपुड़ा, तो सतपुड़ा के बारे में भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो सतपुड़ा जो पर्वत है ये आपको, सतपुड़ा की जो सबसे ऊँची चोटी है इसका नाम है दोस्तों धूपगढ़। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है। जो अरावली श्रेणी है, है ना, जो पर्वत है इसकी अनुमानित आयु कितनी है आपको बताना है, है ना। ये कितनी पुरानी है अरावली, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत में गिना जाता है। तो इस जो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 570 मिलियन वर्ष ये पुरानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीन नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, तीन नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण कौन है। अब देखिए, रेजिड्यूअल पर्वत का मतलब क्या होता है, रेजिड्यूअल का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत, है ना, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, अवशिष्ट पर्वत कौन है, तो जो हमारा ये अरावली पर्वत है, अरावली जो पर्वत है ये कैसा पर्वत है, ये अवशिष्ट पर्वत है, है ना। क्योंकि ये पहले ये वलित पर्वत था, लेकिन इतना पुराना होने की वजह से, ये टूट फूट क्रिया होने की वजह से ये अब अवशिष्ट के रूप में बचा है, इसीलिए इसको रेजिड्यूअल पर्वत भी कहा जाता है, यानी अवशिष्ट पर्वत इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चार नंबर की, दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है, ऑप्शन है एनाईमुडी, दोद्दावेटा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों आपका है एनाईमुडी, है ना, एनाईमुडी है। और ये कहाँ है, तो अन्नामलाई के अंतर्गत आता है, अन्नामलाई श्रेणी जो है, है ना, उसके अंतर्गत आता है। और ये आपका केरल में पड़ता है ना, केरल में पड़ता है। और जो एनाईमुडी है इसकी ऊंचाई आपको हमेशा पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ठीक है। और देखिए, बी नंबर ऑप्शन है आपको दोद्दावेटा। दोद्दावेटा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो हो जाएगा आपका नीलगिरी, है ना। पहली कौन सी है, तो एनाईमुडी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है आपका दोद्दावेटा, और दोद्दावेटा की ऊंचाई भी पूछ लिया जाता है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और देखिए, महेंद्रगिरी का ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 1501 मीटर महेंद्रगिरी की ऊंचाई है। और अमरकंटक की अगर ऊंचाई पूछा जाए, तभी आपको बताए थे 1048 मीटर अमरकंटक की ऊंचाई है, हाईएस्ट ऊंचाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइव नंबर की, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों
के मध्य स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है, ना श्रेणियां स्थित है? ऑप्शन है विंध्य पर्वत, बी है सतपुड़ा श्रेणियां, सी है राजमहल पहाड़ियां और डी है आपका अरावली श्रेणी। तो क्या हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। देखिए सबसे पहले नर्मदा और ताप्ती के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। तो ये नर्मदा और जो ताप्ती नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ना, ये अमरकंटक से निकलती है। यहाँ एमपी के में अमरकंटक है, अभी आपको बताए थे, यहीं से दोनों नदियाँ निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ऊपर नर्मदा है, उसके नीचे ताप्ती है और बीच में जो है दोस्तों कौन सा पर्वत श्रेणियाँ है, तो सतपुड़ा श्रेणी है, है ना। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सतपुड़ा की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है ना, सतपुड़ा की सबसे ऊँची चोटी धूपगढ़ है। ये भी आप याद रखिएगा, धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊँचाई कितनी है, तो 1350 मीटर। हमेशा ऊँचाई पूछ लिया जाता है, तो ऊँचाई आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये नर्मदा बह रही है, ये ताप्ती बह रही है, इसके बीच में कौन सी पर्वत निकला है, तो ये धूपगढ़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5-6 नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, है ना। ये देखिए पश्चिमी घाट पर्वत, ये है पूर्वी घाट पर्वत, है ना, और यहाँ पर आकर मिलती है यानी तमिलनाडु, है ना, जो ये नीलगिरी, इसको कहते हैं नीलगिरी पर्वत। कौन सी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत में दोनों आकर मिलती है। नीलगिरी पर्वत जो है ये किस किस राज्यों में फैली हुई है, तो आप याद रखिए ये हो गया आपका केरल, है ना, केरल कर्नाटक, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तीन राज्यों में इसका फैलाव है। किसका फैलाव, तो नीलगिरी पर्वत का, ये भी पूछा जाता है आपको। अब देखिए ऑप्शन में आपका कार्डामम पहाड़ियाँ, तो कार्डामम के बारे में थोड़ा सा जान ले, ये कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो कार्डामम पहाड़ियाँ जो है ये केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है ना, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसको इलायची पर्वत भी कहा जाता है, कार्डामम पहाड़ी को इलायची पर्वत भी इसी को कहते हैं, है ना। ये केरल में, मुख्य रूप से केरल में है, इसका कुछ भाग तमिलनाडु में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सी है, है ना। अभी आपको बताया कि नीलगिरी कहाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, और कहाँ है, कर्नाटक में है इसका थोड़ा भाग, और कहाँ है, तो केरल में है, है ना, ये तीन राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया, इसका आंसर हो गया ए नंबर, 7 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर की भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, केवल एक ही राज्य में फैली है। ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री। तो आपका क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, 8 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी जो अजंता जो श्रेणी है ये सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। वो कौन सी राज्य है, तो वो है महाराष्ट्र, है ना, याद रखिएगा। अजंता की गुफाएं भी वहीं हैं, है ना, अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो, ये देखिए जो पश्चिमी घाट पर्वत है, है ना, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ऊपर महाराष्ट्र उसके नीचे कर्नाटक, तो इसको क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री पर्वत या दक्कन का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है आपको सह्याद्री, है ना, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो है इसको कहते हैं क्या, सह्याद्री। तो 9 का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी सह्याद्री पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो कौन सी है, है ना। कार्डामम के बारे में अभी आपको बताएं कि इसी को कहते हैं क्या, इलायची पर्वत, है ना, इसी को इलायची पर्वत भी कहते हैं। तो ये किन जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो आपको बताना, तभी आपको बताए थे केरल और तमिलनाडु, तो इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ है। ऑप्शन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है सेवराय की पहाड़ियाँ। बहुत बार पूछा जाता है पहाड़ी से भाई, लगभग क्वेश्चन आपको जो भी है पहाड़ी से अंतर्गत आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, महाराष्ट्र में नहीं है, है ना। तो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी या सतमाला पहाड़ियाँ, तो कौन सी महाराष्ट्र में आपका
नहीं है तो नहीं वाला थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा मांडव पहाड़ियाँ जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर, बालाघाट महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र श्रेणी भी महाराष्ट्र में है, सतमाला पहाड़ियाँ भी आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, जो माउंट एवरेस्ट जो है ये क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर, कहीं कहीं आपको 50 मीटर भी मिलेगा, है ना। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो नेपाल में है ये, है ना, ये कहाँ है, नेपाल में। आंसर हो गया आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ऑप्शन देखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे या मकालू, है ना, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, इसकी ऊंचाई भी आपको बताया 8,848 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन सी है, वो कौन है, तो वो है आपको बछेंद्री पाल, उसको क्या नाम है, बछेंद्री पाल, सबसे जो प्रथम नारी थी जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, ऑप्शन है K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा K2, इसको क्या कहते हैं K2 कंचनजंगा, है ना, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये जो है K2 दोस्तों ये हिमालय का भाग नहीं है, है ना, ये हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि K2 जो है हिमालय का भाग है या नहीं, ये नहीं है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 की भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको बताना है, ऑप्शन है कंचनजंगा, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कि हिमालय का, है ना, भारत में हिमालय का, यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिएगा, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, हिमालय का कौन सा है सबसे ऊंचा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम या माउंट एवरेस्ट, तो कंचनजंगा जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है भारत में, किसका, तो हिमालय का, ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर। कंचनजंगा कहाँ है, तो आपको याद रखना है सिक्किम में है ना, कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर की नंदा देवी चोटी है ये किसका भाग है, असम हिमालय का भाग है या कुमायूं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है या पंजाब हिमालय का भाग है, तो नंदा देवी जो चोटी है दोस्तों ये कुमायूं हिमालय का भाग है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। नंदा देवी कहाँ है जो चोटी है, ये आपको उत्तराखंड में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर की नंदा देवी स्थित है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि नंदा देवी कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल या सिक्किम, तभी आपको बताए उत्तराखंड में ये स्थित है, बी नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है कौन से राज्य में, स्टार्टिंग में आपको बताया था पहला क्वेश्चन जो था ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, है ना, और अरावली कहाँ है, तो आपको राजस्थान में, यानी ये आंसर बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, अरावली का उच्चतम शिखर अभी आपको बताया क्या है, गुरु शिखर, है ना, गुरु शिखर कहाँ है, तो राजस्थान में है, गुरु शिखर राजस्थान में, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए ये माउंट आबू में पड़ता है, गुरु शिखर कहाँ है, तो माउंट आबू में पड़ता है, भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन आपका, जवाब दीजिए कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, है ना, कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है, ऑप्शन है गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी या डी नंबर त्रिशूल, तो 22 का हो जाएगा दोस्तों आपका, 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी गोसाई थान जो है ये भारत में स्थित नहीं है, कामेत भारत में है, नंदा देवी भारत में है, त्रिशूल भारत में, तो ये तीनों आपका भारत में है और गोसाई थान आपका भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23
कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो कौन सी पर्वत श्रेणी है, है ना। कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन है धौलाधर तथा पीर पंजाल, है ना। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है ना, बीच पूछ रहा है किसके बीच स्थित है, धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच, रन ज्योति तथा नाग टिब्बा के बीच, लद्दाख तथा पीर पंजाल के बीच, या मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है आपका कुल्लू घाटी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आपका क्वेश्चन है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। देखिए जो तीन जो मेन ये घाट है, मतलब जो दर्रा है, इसको दर्रा कहा जाता है, नहीं रास्ता। दर्रा मतलब क्या हुआ, रास्ता। ये रास्ता जो तीन मेन दर्रा है ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। दक्षिण भारत में कौन कौन, तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों हमेशा याद रखिएगा, तीनों पूछा जाता है। तो थाल घाट और भोर घाट जो है ये महाराष्ट्र में है, पाल घाट जो है ये केरल में आपको पड़ता है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये पाल घाट कहाँ है, केरल में है, तो ये किसके मध्य स्थित है ये आपको बताना है। नीलगिरी, कार्डामम, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डामम पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ। तो क्या हो जाएगा 24 का आपका हो जाएगा आंसर बी नंबर, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य ये स्थित है, है ना, ये दर्रा जो है, यानी रास्ता जो है, ठीक है, पालघाट। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। 25 चलते हैं कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है नाथुला एक दर्रा है, ये कहाँ है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। तो क्या हो जाएगा इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी नाथुला जो है सिक्किम में है दोस्तों। कहाँ है, सिक्किम में। देखिए नाथ यहाँ सिक्किम में एक और दर्रा है, उसका नाम है जयलेपला। क्या नाम है, जयलेपला, ठीक ना। ये भी आपको कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में, यानी दोनों याद रखिएगा, नाथुला प्लस जयलेपला, ठीक है, दोनों सिक्किम में, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित दर्रा में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है, कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है, हमेशा पूछा जाता है दर्रा से संबंधित क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, जयलेपला, लिपुलेख, नाथुला और शिव किला। तो देखिए उत्तराखंड में है आपका लिपुलेख दर्रा, यानी आंसर हो गया आपका बी नंबर, लिपुलेख जो है कहाँ है, उत्तराखंड में है। और शिव किला कहाँ है दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और नाथुला और जयलेपला भी आपको बताया कि सिक्किम में है, है ना, नाथुला और जयलेपला, ए और सी, ये दोनों कहाँ है, सिक्किम में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर, यानी लिपुलेख उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की रोहतांग दर्रा स्थित है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है आपका, है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, और अभी तक नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए तो इसका जवाब दीजिए आप, माना दर्रा स्थित है, माना दर्रा कहाँ स्थित है, 28 का क्या हो जाएगा, माना दर्रा का स्थित कहाँ है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ हो जाएगा माना दर्रा कहाँ है, तो माना दर्रा आपका है उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में स्थित है माना दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 कि हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच स्थित है। हिमरेखा मतलब इतनी ऊंचाई के अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ हिम ही हिम मिलेगा, मतलब बर्फ ही बर्फ मिलेगा, तो उसको कहते हैं हिमरेखा, ठीक ना। तो कितनी ऊंचाई से स्टार्ट होता है, ऑप्शन देख लीजिए, है ना, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी 4300 मीटर से, ठीक है, 4300 मीटर से लेकर 6000 मीटर पूर्व में, ठीक है, इसकी हिमरेखा पाई जाती है, 4300 से 6000। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जो है सबसे बड़ा है। हिमनद मतलब हिम की नदियाँ, ठीक ना, हिम प्लस नदी, कौन सी जो है ये सबसे बड़ा हिमनद है। ऑप्शन है सियाचिन, बालटोरो, चोगोलुंगमा या बियाफो। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है,
बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए तो ये था आज का